वेलकम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में बनने वाले ज़ीरे वाले कुकीज़, बिस्किट्स कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लार, आइसिंग शुगर 1 कप, पिसी हुई चीनी, 1 एग, 1 अंडा चाहिए, और हमारे पास है मेल्टेड बटर, ये भी 1 कप से थोड़ा सा कम है। 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है, 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, और 1 टीस्पून हमारे पास है ज़ीरा। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे बटर, गाइस अब हम ऐड करेंगे आइसिंग शुगर, मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। अब हम ऐड करेंगे अंडा, मिक्स कर लेंगे इस तरह से इसको भी। अब हम मैदा डालेंगे इसके अंदर, मिक्स कर लेंगे इसको भी अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके गूंदने के लिए, डो बनाने के लिए हम अपना हाथ यूज़ करेंगे। गाइस अब हम अपना हैंड यूज़ करेंगे, गाइस जो हमारा डो है रेडी हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और आधे घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस आधा घंटा हो चुका है और हमने जो है डो निकाल लिया है। अब हमें एक बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शॉपर, शॉपर होती है, उसको हमने लंबाई में काट लिया है और अब हम इस पर गूंदेंगे, बेलेंगे सॉरी। गाइस यहाँ पर हमारी बेकिंग ट्रे है, इसको हम जो है ऑयल से या घी से, बटर से, किसी चीज़ से आप ग्रीस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको बटर से जो है ग्रीस कर लिया है और इसको अब हम साइड पर रख देते हैं। अब हम डो निकालेंगे और इस शीट पर रखेंगे, आराम से निकाल लेंगे। गाइस अब हमने बॉल से इसको निकाल लिया है और अब हमने इसको एक शीट पर रख दिया है, यानी कि वही शॉपर पर रख दिया है। अब हम जो हमारी शॉपर है उसको हम डबल कर लेंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा, और हम कुकीज़ विदाउट ओवन बनाएंगे। तो जो पतीली है हमने उसको रख दिया है प्री हीट होने के लिए। तो गाइस ये जो है डो बेल चुका है, अब हम खोलेंगे इसको और अब हम
एक कुकी कटर की मदद से इसको हम कट कर लेंगे। और अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप किसी भी ढक्कन बोतल के ढक्कन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम कुकीज़ को काट लेंगे। और अब हम ये जो बची हुई शीट है इसको निकाल लेंगे आराम से, और इसको हम दोबारा से बेल कर और इसकी कुकीज निकाल लेंगे। तो गाइस हमारे कुकीज़ जो है रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़ीरा दिया है। वैसे तो हमने डाल दिया है कुकीज़ के अंदर ज़ीरा, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद है ज़ीरा तो आप इस तरह से ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं और उसको हल्का सा प्रेस कर दें, और इस तरह से हम सारे कुकीज़ पे कर लेंगे। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस कम लगाएंगे थोड़ा। तो गाइस जो पतीली है प्री हीट हो चुकी है, अब हम इसके अंदर कुकीज़ डालेंगे, और जो फ्लेम है वो भी लो है। तो गाइस जो बिस्किट्स हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसको हम निकाल देंगे और देखते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल इस तरह से कुक हो चुके हैं, बेक हो चुके हैं, इसको अब निकाल लेंगे हम। और गाइस यहाँ पर आप इसका कलर भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा आया है। इसका मतलब है जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, तब हम इसको निकाल लेंगे। तो गाइस हमारे ज़ीरा वाले बिस्किट ये कुकीज़ रेडी हो चुके हैं, और इनका कलर बहुत अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कितना खस्ता बने हैं, देखें। तो आप इसको सुखा कर यानी कि 2-3 मिनट पंखे के नीचे रखकर इसको आप एक ड्राई बॉटल में रख सकते हैं और चाय के साथ खा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।